वेलकम बैक थ्री सिक्स नाइन प्रडिक्शन साफ होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो टूडे टॉपिक इज यू हैव योर कार्मिक मैरिज और कॉस्मिक मैरिज और यू विल हैव कार्मिक मैरिज और कॉस्मिक मैरिज सो पहले मैं जैसे uh, हर रीडिंग में कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ तो इस रीडिंग के लिए भी समझा देती हूँ कि कॉस्मिक मैरिज किसको बोलता है और कार्मिक मैरिज क्या है कार्मिक मैरिज उसको बोलते हैं जो आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ आपका मैरिज होता है उसको हम लोग कार्मिक मैरिज कहते हैं कॉस्मिक मैरिज इज लाइक मैरिज विथ योर डिफाइंड काउंटर पार्ट यो योर स्पिरिचुअल सोलमेट्स योर टू फ्लेम तो इस काइंड ऑफ मैरिज को हम लोग कॉस्मिक मैरिज कहते हैं पर ज़्यादातर कॉस्मिक मैरिज इन स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव से देखा जाए तो फाइव डी लेवल पे होते हैं पर वो काफी डिफरेंट चीजें हैं मैं इन जनरल देखूंगी कि आप मैरिज हो चुका है तो आप देख सकते हो मैरिज नहीं हुए तो सभी लोग देख सकते हो सभी लोगों के लिए रीडिंग है आप चेकआउट कर सकते हो कि आप जिसके साथ आपका मैरिज हुई है आ, वो आपका कॉस्मिक मैरिज था या आपका कॉस्मिक पार्टनर है डिवाइन काउंटर पार्ट है या ऐसे कोई कार्मिक मैरिज के साथ आप डील कर रहे हो ओके एंड जिनका नहीं हुई है उन लोग तो डेफिनेटली देखें एवरीबॉडी इज वेलकम इन माई चैनल थ्री पाइल्स आपके सामने मौजूद है एंड आज का रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होंगे आपका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ वन से लेकर टेन के बीच में है तो फर्स्ट वाले पाइल एंड सेकेंड वाले पाइल इलेवन टू ट्वेंटी थर्ड वाले पाइल ट्वेंटी वन टू थर्टी वन के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो थर्ड था, वाले पाइल आपके लिए है ओके okay? सो so, आज कोई मैं पी के पिक्चर नहीं कर रही हूँ कंप्लीटली आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा आप चूज कर सकते हो ओके एंड आपका अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो आप रैंडमली पिक कर सकते हो ओके okay? मैं टाइम स्टैंड में थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ लाप आ, जो सिंबल्स होता है हार्ट ग्रीन कलर और या ऑरेंज कलर का मैं ती, तीनों दे दूंगी उससे भी आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिसके टूर्ट आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा इंक्लाइंट फील हो रहा है ज्यादा अट्रैक्ट फील हो रहा है तो उसके टूर्ट भी आप चूज कर सकते हो ओके सो लेट्स चेक फॉर पैल नंबर वन हा पायल नंबर वन जिनका डेट ऑफ बर्थ वन से लेके टेन के बीच में है और आपने हार्ट सेप को देख के चूज किया है अदरवाइज आपने ऐसे इंटीडिय चूज किया तो उन लोगों के लिए देख लेते कि आपका मैरिज हो गया तो इस दिस यो कार्मिक मैरिज और कॉस्मिक मैरिज आपका नहीं हुई है तो आपका किस किस्म का मैरिज रहने वाला है कार्मिक मैरिज होगा या कॉस्मिक मैरिज होंगे इन थ्री लाइफ में बट द वे कॉस्मिक मैरिज का कॉन्सेप्ट काफ़ी स्पिरिचुअल है uh, बोला जाता है कि फाइव डी लेवल भी मैरिज ऑकर्ड होता है पर काफ़ी सारे लोग ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट्स के लिए मैं बोल सकती हूँ कि उनका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ दे आर वेरी ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी लकी इन देयर लव एंड रिलेशनशिप एंड उन लोगों का मैरिज अपने ट्विन फ्लेम अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ डिवाइन काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल सोलमेट पास्ट लाइफ का जो का डिवाइन काउंटर पार्ट होता है बेसिकली भगवान उनके लिए जो तैयार करके रखते हैं बिफोर देयर बर्थ सो दैट्स कॉल्ड देयर डिवाइन काउंटर पार्ट तो उनके साथ मैरिज होते हैं दैट्स कॉल्ड द कॉस्मिक मैरिज सो लेट्स चेक फॉर द पाइल नंबर वन देखते हैं कार्ड्स में क्या कुछ है मैंने पहले से सफल करके रखी हुई हूँ मैं एनर्जी चेक करूंगी आपकी दोनों के बीच में मैरिज का क्या एनर्जी है कनेक्शन का वाओ थर्टी नाइन फिप चक्र आर्केंजल कैप्रियल का एनर्जी है इनडिसंस नंबर एट ओके बहुत सारे लोग ऐसे भी सिचुएशंस हैं कि आप आ, अभी मैरिज एज में पहुंच चुके हो या मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो बट आपके पास चॉइसेस है लाइक दैट यहाँ पे आप पिक्चर में शो हो रहा है देयर इज ए ट्रू वे बट आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे में भी आपके पास दो चॉइसिस हो सकता है इन द मैटर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप तो आप कौन सी चीज़ को चूज करें आपके लिए कौन से बेहतर होंगे आपको समझ नहीं आ रहा है इट्स जस्ट एक्स्ट्रा मैसेजेस सबके लिए रेजुनेट नहीं करेगा ट्वेंटी थ्री ऑलटाइट ऑफ ओके मैं सारे कार्ड्स को पहले ले डाउन कर लेती हूँ उसके बाद में बताऊँगी कि आपका कार्मिक मैरिज है या कॉस्मिक मैरिज है या होने वाले है द मैजिशियन ओके नंबर वन ओके okay. पेंटिकल्स का एनर्जी है इंडिशीशन ने फाइबोपेंटिकल्स यस 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 द स्टार का एनर्जी है ओके एंड एंजल से देख लेते हैं टेक एक्शंस नेक्स्ट इज लेड लेडको ओके सक्सेस ओके सो माय पाइल नंबर वन आई होप यू सी द कार्ड जस्ट वे ओके फाइल नंबर वन यू गॉट द कार फिफ चक्रर्केंजल गेद्रेल जो हार्ट चक्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसीशंस लेने पे ऐसे मोड़ पे आ चुके हो कि आपको अभी डिसीशंस यू हैव टू टेक डिसीशंस अबाउट योर लव एंड रिलेशनशिप आपके पास चॉइसिस हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला एंड समटाइम्स यू फील दैट दैट आई डोंट बिलोंग टू एनी बॉडी एल्स या मैं तो बस अकेला आई हूं यू फील वेरी लोनली सॉलिट्यूड वाले तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये आपका करेंट सिचुएशन हो सकता है आप काफ़ी टाइम के लिए हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्ट फील करते हो दूसरे वक्त लगता है कि नहीं मेरे लिए तो कोई है नहीं दिस इज नॉट माई मैच दिस इज नॉट माई पर्सन्स दिस इज नॉट द वन फॉर मी तो आपका ऐसे फीलिंग हो सकता है दैट द करेंट एनर्जी मुझे लग रहा है आप काफ़ी लोनली फील कर रहे इस हो इस वजह से कन्फ्यूज हो डिसीजनस नहीं ले पा रहे हो एंड काफ़ी अप एंड डाउन आपकी इमोशंस आप uh, बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है मे बी मूड स्विंग भी हो सकता है ओके okay. तो लोनलीनेस को हटाइए ठीक है द वे जो टॉपिक है वो मैं लास्ट में अंत में बताऊंगी कि आपका किस किस्म का मैरिज हो चुका है यार होंगे जो भी मैरिड पर्सन हैं तो उन लोगों के लिए भी होंगे एंड अनमैरिड सभी लोगों के लिए रीडिंग है वो मैं बताऊंगी। तो अभी मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस बता देती हूँ कि क्या कुछ है यहाँ तो इस लोनलीनेस को आपको हटाना पड़ेगा ओके You have to come on the solitude stage. There is a डिफरेंट between solitude and loneliness. Lonely means आपका ऐसा लगेगा कि मैं तो बस दुनिया में अकेला आई हूँ मेरे लिए कोई है नहीं आप ऐसे करके काफी सारे लोग होता है टॉक्सिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं सेफो सेफ सेंस ऑफ द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस राइट तो कि मैं किसी पर बिलोंग करती हूँ तो ऐसे चीजों पे दिखाने के लिए भी लोग बहुत से लोग टॉक्सिक कनेक्शन पे भी इन्वॉल्व हो जाता है लोनलीनेस पे आप जब भी होंगे ना सो शो, सॉरी 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 बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर आ रहा है हम्म दैट्स द कंफर्मेशन कि आप डेफिनेटली इस स्टेज में अभी हो इमोशनली मेंटली भी आप बोल सकते हो दैट इज ऑल्सो ए मेंटली चॉइस जो लोनली होता है लोनर काइंड ऑफ होता है सो दैट्स द थिंग कि आपको इस स्टेज से बाहर निकालनी है अदरवाइज नहीं तो आप कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो नहीं तो आप आगे जाके भी कोई कार्मिक कनेक्शन को भी अट्रैक्ट कर सकते हो विद द मैजिशियन एनर्जी ओके आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज को इस स्टेज को लेट गो कीजिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है एंड टेक एक्शंस एक्शंस किस किस्म का है आप खुद के लिए एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने कंफ्यूजन को हटाइए लोनलीनेस या विक्टिम लोनली से ही विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट होता है अब जब भी अकेलापन फील होगा आपको लगेगा दैट आई एम वेरी विक्टिम माइंडेड विक्टिम माइंडेड मीन्स कि आपको लगेगा कि मेरे साथ ही गलती होती है मेरे साथ ही हर लोग बुरा करते हैं वाई मी वाई मी दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपके अंदर क्रिएट हो सकता है विद द वर्ल्ड टाइट आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सभी ने बांधा महसूस करेंगे बांध के रखा है आई एम लाइक इन द प्रिजन बट आपको ऐसे सोचना नहीं है बिकॉज यू इन दिस लाइफ टाइम यू विल हैव हैप्पी डिस टाइम पार्टनर विद द मैजिशियन एंड द स्टार एनर्जी एंड सक्सेस का भी कर आ गया द स्टार वन का बात करते यू नीड ए हीलिंग आपको हीलिंग की जरूरत है ओके एंड फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए लग रहा है कि आपका जिनका मैरिज हो चुका है ओके okay? उन लोगों के लिए मुझे कार्मिक लग रहा है कार्मिक मैरिज है जो भी आप जिस पार्टनर के साथ आपका मैरिज हो गई है यस yes. एंड uh, जिनका नहीं हुई है आप इस स्टेज से जब बाहर निकलेंगे तब जाके आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है जो आपका ट्रू लव है डेस्टाइन पार्टनर इज ऑलवेज डेफिनेटली ट्रू लव होता है अनकंडीशनल काइंड ऑफ बॉन्ड होता है दोनों के बीच में तो तब जाके इस पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल हैव पे कॉस्मिक मैरिज, ओके तो कॉस्मिक मैरिज इतना इजी नहीं होते थ्री डी लेवल पर जो भी अपने डिभा इन काउंटर पार्ट के साथ मैरिज होता है उसमें बहुत मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेस भी आते हैं कल्चर सारे डिफ्रेंसेस रहते हैं दोनों के बीच में कल्चर कास्ट कम्युनिटी डिफरेंट स्टेटस डिफरेंट लेबल डिफरेंट बहुत सारे लोगों ऐसा होता है कि सब कुछ सेम होने के बावजूद भी उन लोग कर नहीं पाते बिकॉज देर स्टार्क इन दियर हेट ऑल अबाउट देर हेट स्पेस हरदम सोचते हैं चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाता है क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ जो लोग उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनके टूआ जा रहा है दे डोंट नो वट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स दे आर ऑल अबाउट द्री डी चीज थ्री डी थिंग्स की उनको बड़े होना है पढ़ाई करनी है Uh, काफी होता है सबके अंदर ही होता है फीमेल फीमेल के अंदर ज्यादा फेमिनिन एनर्जी रहते हैं मैस्कुलन के मेल पर्सन के अंदर ज्यादा मैस्कुलन एनर्जी रहते हैं आफ्टर दैट दे आर गेट मैरिड हैविंग किड्स उसके बाद जैसे मर जाना है तो ये काफी जो आपका सिचुएशंस मुझे लग रहा है आप अभी डिस्ट्रॉटेड पोजीशंस पे हो जब आप इस से स्टेज से नहीं निकलेंगे तब तक तो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे बट बाय द वे मुझे लग रहा है पाइल नंबर वन अब ऑलरेडी मिल चुके हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ पर उनके साथ हो सकता है कि आपका सिपरेशन है काफी लॉन्ग टाइम से या आप डिसीशन नहीं ले पा रहे या पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीशन अबाउट दिस कनेक्शन आपको डिसीशंस लेना ही है नहीं तो जो ऐसे किस्म का कनेक्शंस होता है ना डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ तो उनके साथ आपका कहीं ना कहीं मान लो कि थ्री लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा है आप भी डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो उन लोग सामने वाले पर्सन्स भी नहीं ले रहा है एक्शंस भी नहीं ले रहा है टेक एक्शंस का कार्ड आ गया तो आपको अभी बोला जा रहा है विद द इन डिस एंड टेक वी यू विल हैव टू टेक डिसीशंस चाहे सामने वाले पर्सन ले ना ले उसका इंतजार मत कीजिए अदरवाइज आपका ये जो भी कनेक्शन द स्टार एंड द मैजिशियंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ ये कनेक्शन स्लिप आउट हो जाएगा आप हर दम क्या करेंगे आप लोग एनर्जेटी लेवल पे कनेक्टेड रहेंगे कभी कुछ थ्री डी लेवल पे नहीं हो पाएंगे हमेशा के लिए अप डाउन होना इमोशंस पे Uh, कभी एक्सट्रीम लेवल पे फील करना तो कभी बिल्कुल कुछ ना फील करना तो डिवाइन पार्ट के साथ ऐसे होता है ऑल्सो इट्स ऑल्सो द कनेक्शन ऑफ लाप एंड हेट कनेक्शन तो आपको इस चीज को समझना जरूरी है यू हैव टू टेक एक्शन्स तब जाके आपके साथ कॉस्मिक मैरिज हो पाएगा अदरवाइज मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है क्योंकि राइट नाउ यू आर इन ए डिस्टोटेड यू आर इन ए लोनली सिचुएशंस इस चीज़ से बाहर निकाली बाहर खुद को निकाल लीजिए एंड uh, खुद के ऊपर काम कीजिए कि की कैसे एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट किया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्री डी एंड फाइव डी थ्री डी वर्ल्ड क्या होता है रियलिटी क्या है ऑल इज संग फॉर द रियल सेंस ओके आपको रियलिटी के ऊपर फोकस करना जरूरी है अदरवाइज आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे देर इज ए डिफरेंट बिटवीन रियल थिंक्स और प्रैक्टिकल थिंक्स प्रैक्टिकलिटी मीन्स वो कहीं ना कहीं चीज़ों जब से ट्रेडिशनल वे पर जब से पहले से होके आ रहा है तो उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं लोग कहीं ना कहीं उसको लॉजिकली लेते हैं पर रियल चीज़ इज डिफरेंट ओके रियलिस्टिक होना डिफरेंट uh, होता है तो ओके पैल नंबर वन देट्स ऑफ रीडिंग सो so, जिनका मैरिज हो चुका है उन लोगों के लिए लग रहा है कि दैट्स ओ कार्मिक मैरिज जिनका नहीं हुई है उनके लिए लग रहा है कि आप इस सिचुएशंस पे हो इस सिचुएशन से जब आप खुद को बाहर निकाल लेंगे हर चीज को समझ पाएंगे आपके अंदर से हर इनसिक्योरिटी कंफ्यूजन इनफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका हो सकता है कि आप खुद को लेके बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो कि लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दिस तो ये सब से आप निकल जब जाएंगे तब जाके आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका मैरिज लिखा हुआ है तब जाके पॉसिबल है देखो डिवाइन तो आपको दे देते पर आप मान लो कि आपकी लिखा है भाग्य में कि आप डॉक्टर बनेंगे आप इंजीनियर बनेंगे पर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया तो आप कहाँ से बनोगे ना कारमा इज एवरीथिंग डिवाइन आपको देते हैं यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे पर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो जाता है लोग भगवान को कोसते हैं कि मेरे लिए तो कुछ है नहीं मुझे तो कुछ दिया नहीं गया नहीं यूनिवर्स सभी लोग अपने यूनिवर्स का चाइल्ड होता है एज ए पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ ही देख लो कि हम लोग को सब कुछ ऑलमोस्ट इंडियन पेरेंट्स के पास से मिल जाते हैं पर हम उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते कभी ना कभी पर्सनली ले लेते हैं कहीं ना कहीं हम लोग का पास्ट लाइफ से होता है या खुद के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है इस वजह से समझ नहीं पाते कर नहीं पाते अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है राइट तो आपके लिए भी यही है आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे तो यू डेफिनेटली हैप्पी कॉस्मिक मैरिज आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ अपने अपने अनकंडीशनल लाभ को भी पहचान पाएंगे जो डिस्टॉर्टेड पोजीशन में होता है उसको प्यार देते तो है प्यार तो उनको मिल जाता है जो अपना ट्रू पर्सन से पर वो पहचान ही नहीं पाते उ, उस चीज को बहुत प्रैक्टिकल तौर पे या थ्री डी लाइफ के तौर पे ले लेते हैं कि दिस इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ लाभ दिस इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ थ्री डी लाभ कार्मिक लाभ होता है पर वो पहचान ही नहीं पाते विद द मैजिशियन एनर्जी कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके समझेंगे एंड द स्टार एनर्जी बहुत सारे लोग मिल चुके हो मतलब हंड्रेड परसेंट सब मिल चुके हैं अपने डेस्ट पार्टनर के साथ ओके okay? सो so, आप जब इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तब आपका कॉस्मिक मैरिज इस लाइफ टाइम में लिखा हुआ है आप नहीं निकलेंगे तो कहीं कही ना कहीं आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ही डील करेंगे एंड क्या पता उसके साथ ही मैरिज ना हो जाए एंड सारा जिंदगी भर आपको ना झेलना पड़े ओके फाइल नंबर वन दैट्स यू रीडिंग लाइक्स एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच गॉड प्रेस यू ऑल ओम कन गणपते नमो थैंक यू सो मच हे फाइल नंबर टू जिनका डेट ऑफ बर्थ ट्वेंटी से लेके सॉरी ट्ल्थ से लेके ट्वेंटी के बीच में है तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपका जिस पार्टनर के साथ आपका मैरिज हो चुका है तो उनके साथ आपका कॉस्मिक मैरिज है या कार्मिक मैरिज बहुत ही कम लोगों का कॉस्मिक मैरिज होता है अपने डिवाइन पा, काउंटर पार्ट और ट्रू पार्टनर को चूज करते हैं क्योंकि उन लोग कुछ आउट ऑफ द ब्लू करने की कोशिश करते हैं दे आर ऑलवेज ग्रोइंग दे आर ऑलवेज इवॉल्विंग दे आर ऑलवेज सीकिंग फॉर द चेंजेस राइट उस वजह से आगे बढ़ पाते हैं उस वजह से अपने ट्रू पार्टनर को भी पहचान पाते हैं पहले स्टेप होता है रिकोगनाइज करना प्यार ट्रू लव आपको दिया जाता है पर आप उस चीज़ का काबिल काबिल तो मैं नहीं बोलूंगी उस चीज़ को आप पहचान ही नहीं पाते हो रिकोगनाइज कर नहीं पाते हो उसको आप गलत मान लेते हो ओके एंड uh, क्योंकि हम लोगों का खुद के अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होता है खुद के अंदर या उस पर्सनस के साथ भी हम लोगों का कार्मिक डेट्स होता है उस वजह से हम समझ नहीं पाते हैं वाट एवर इज दैट तो आपका जिनके साथ मैरिज हो चुका है इज दिस योर कार्मिक पार्टनर और कॉस्मिक पार्टनर और डिवाइन काउंटर पार्ट अदरवाइज जिनका मैरिज नहीं हुई है उन लोग की दे, लिए देखेंगे कि आपका क्या कॉस्मिक मैरिज होंगे या कार्मिक मैरिज होंगे सो लेट्स चेक फॉर द फाइल नंबर टू वाले पीपल के लिए वॉल सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है थर्टी थ्री डोर टू रोमांस का एनर्जी है वॉकिंग या वे ट्वेंटी सेवन ओके यू आर ग्रोइंग आप एक जगह पर नहीं बैठे हो आप कर रहे हो कुछ फाइल नंबर टू वा कम्यूनिटी का एनर्जी नंबर सेवन ओके टेरोट से देख लेते हैं जस्टिस थ्री ऑर वांस यू आर वेटिंग फॉर समान द फूल आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कोई भी पर्सन सोच सकता है इवेन ऐसे भी है कि आपका जो भी Uh, अब नहीं मिले हो तब भी आप कहीं कही ना कहीं अपने जो ट्रू पार्टनर है उसके लिए आप वेट कर रहे हो एंड हम लोग देख लेते परफेक्ट टाइमिंग ओके वेटिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग वॉकिंग अवे ओके वेट डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है जो भी होगा परफेक्ट टाइमिंग पे होगा बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट द परफेक्ट टाइमिंग रिकवरी का एनर्जी है तो डिवाइन की तरफ से एक्स्ट्रा मैसेज है अब आप अपने ऊपर ख्याल रखिए अपने हेल्थ के ऊपर ख्याल रखिए स्पेसिफिकली आपका जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं जो कोई भी कनेक्शन uh, हो मैं एक चीज uh, थोड़ा हटके बोलना चाहूंगी जो भी कनेक्शन हो इज दिस यू कार्मिक पार्टनर योर सोलमेट पार्टनर योर ट्विन फ्लेम पार्टनर व्हाट इज दैट आप जब कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो या फिजिकली आपका कुछ इश्यू नहीं रहता है आपकी फिजिकल जो चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा पेंस वगैरह नहीं हो रहा है स्पेसिफिक जगह पे, तब तो एक्सरसाइज के थ्रू या आप फ्री स्ट्रेचिंग के थ्रू आप जब उस एनर्जी को बॉडी से निकाल देते हो आपकी चारों तरफ एक बहुत परफेक्ट और क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हर जगह से आपको आप जब बहुत एक बैलेंस स्टेट में होते हो तब आपका कोई भी कनेक्शन सोना काम कर जाता है क्योंकि आप पर्सनस के साथ जब कनेक्ट होते हो तब कहीं कही ना कहीं आपका एनर्जेटिकली बॉन्ड क्रिएट होता है वो कार्मिक पार्टनर पे होता है बट सोलमेट्स वाटर इट्स ऑलवेज द सोल काइंड ऑफ थिंग्स एंड ट्विन फिल्म तो काफी डिफरेंट चीज है उन लोग तो मतलब हरदम ही कनेक्टेड होता है मतलब इट्स लाइक दैट एवरी लास्टिंग कनेक्शन चाहे इस लाइफ टाइम पे भी रहेंगे नेक्स्ट लाइफ टाइम पर भी रहेंगे मतलब ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं होते इट्स काइंड ऑफ इटर्निटी कनेक्शंस ओके तो ट्विन फिल्म इज डिफरेंट थिंग्स मैं उसमें नहीं जा रही हूँ तो आपको पहले बोला जा रहा है कि आपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए जिस जगह पे आप सोच लो कि बॉडी पे पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं चक्रा इम्बेलेंस्ड होता है चक्रा के ऊपर भी पेन होता है तो समझ जाते हो अदरवाइज कोई भी आपका हेल्थ इश्यू तो आपको हेल्थ को परफेक्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है सो द क्वेश्चन इज कि आप जिनका मैरिज हो चुका है इज दिस योर कार्मिक पार्टनर और कॉस्मिक पार्टनर्स या कॉस्मिक मैरिज दिस इज योर कॉस्मिक मैरिज ओके विद द जस्टिस एनर्जी एंड द फुल एनर्जी एंड द डोर टू रोमांस एनर्जी है तो आपका इनके साथ मैरिज तो हो चुका है बट चांसेस ऑफ देयर के आप बहुत सारे पर्सनस के लिए जो पायल नंबर टू वाले पीपल तो आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिफोर्स केसेस वगैरह चल रहा है आप इसी पार्टनर के साथ क्योंकि चाहे डिवाइन पार्टनर के साथ आपका मैरिज तो हो जाता है बट आप इम्बेलेंस पे रहते हो आप डिस्टॉर्टेड पोजिशंस पे रहते हो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो सामने वाले पर्सनस को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो या वैल्यू नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी अपने तरफ से आपको इनजस्टिस दिला देते हैं, वो भी केसेस वगैरह या डिवोर्स वगैरह तक भी पहुंच सकता है इट्स डिपेंड इधर इट्स योर डिवाइन पार्टनर इधर इट्स योर कार्मिक पार्टनर इट्स डिपेंड कि आप कैसे डील कर रहे हो आपके अंदर क्या एनर्जी है जब तक ना आपके अंदर एनर्जी चेंज होगा तब सामने वालों के साथ आप डील नहीं कर सकते ठीक है इट्स इट्स एवरी थिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू ओके तो बहुत सारे लोग कार्मिक मैरिज दिख रहा है बहुत सारे नहीं पाइल नंबर टू आपका कार्मिक मैरिज हो चुका है जिनका नहीं हुई है आपको बोला जा रहा है कि आपने हेल्थ को ठीक कीजिए विद द रिकवरी एनर्जी हेल्थ को थोड़ा परफेक्ट बनाने की हेल्दी होने की कोशिश कीजिए उससे और आपका बहुत पावरफुल होगा अच्छे डाइट फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है एंड कहीं ना कहीं आप मेंटली से ज़्यादा मुझे हेल्थ वाइज फिजिकल वाइज थोड़ा अच्छा एनर्जी पिक हो रहा है कि आपको फिजिकल वाइज बहुत स्ट्रांग होने के लिए बोला जा रहा है एंड आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि जो कुछ भी होगा परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग मीन्स डिवाइन टाइमिंग पे होंगे आप डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ चीज़ें आपने मर्जी से नहीं कर सकते वो डिवाइन दिया है तो डिवाइन की तरफ से सब कुछ चीज़ें होंगे जब उनको लगेगा यूनिवर्स को कि यू आर रेडी टू टेक दिस थिंग्स यू आर रेडी टू फॉर लव एंड कमिटमेंट तो तब जाके आपको उस पर्सन के साथ कमिटमेंट भी मिलेंगे एंड मैरिज भी होगा ओके okay? आप अपना काम करते जाए वॉकिंग अवे इन द थ्री ऑफ वांस वेटिंग इस किस्म का वेटिंग नहीं कि आप बस आ, उनके टू आर डी देखे जा रहे हो आप उनको ट्रैकिंग कर रहे हो कि कब आएंगे नहीं आएंगे या क्या कुछ चल रहा है ऐसा आपको कुछ भी नहीं कर रहा जस्ट सैलेंडर टू द थिंग्स आप मिल चुके हो नहीं मिले हो फिफ्टी परसेंट्स के लिए लग रहा है कि जो अनमेरिड है आप मिल चुके हो विद द डोर टू रोमांस एंड दस जस्टिस एनर्जी आप नहीं मिले हो तो बहुत जल्द मिलने वाले हो वेटिंग का एनर्जी है विद, थ्री मंथ थ्री मंथ इस पर्सन के साथ आप मिल सकते हो द फुल का एनर्जी है जस्ट अभी के लिए आपको बोला जा रहा है इस दो चीजों को फॉलो करो आप इनके साथ कुछ बेहतर चाहते हो कॉस्मिक मैरिज आपकी इस लाइफ टाइम में लिखा हुआ है फाइल नंबर टू अब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपका मैरिज होगा पर उससे पहले आपको दो चीज को फॉलो करनी है जस्ट गो विद द फ्लो आपको कुछ चीज को कंट्रोल नहीं करना लाइफ में अब आप अपने हिसाब से रहो जो होगा डिवाइन के मर्जी से होंगे दूसरा चीज कि आपको हेल्थ में फोकस करने के लिए बोला जा रहा है और को बहुत पावरफुल बनाने के लिए बोला जा रहा है ओके पॉइल नंबर टू आप हो सकता है कि काफी ज्यादा हो आपको हर, हर दम चीजों पे रसिंग रसिंग करते हो अब अब आपको बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए कि अभी अभी मिल जाए सब कुछ तो ऐसा नहीं हो सकते वेट करने के लिए बोला जा रहा है जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होंगे एंड आपको डेफिनेटली जस्टिस है तो आप लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो कोर्ट मैरिज वगैरह के भी चांसेस है कोर्टशिप का भी चांसेस है एंड राइट नाउ जैसे मैंने बोला कि ट्वेंटी परसेंट्स के लिए रेजिनेट कर सकते हैं आपका इस डिवाइन कॉन्ट्रब के साथ मैरिज तो हो चुका है बट चीज़ें कुछ इस तरीके से आप दोनों के बीच में चल रहा है कि डिवोर्स तक बातें पहुंच गई आप दोनों सेपरेशन पे हो एक लीगल स्टेज के थ्रू आप लोग जा रहे हो विद द डोर टू रोमांस एनर्जी ओके सो दैट्स दू रीडिंग गाइस आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे बहुत ही अप एनर्जी था कि जिनका मैरिज हो चुका है आप देख रहे हो अगेन आई टोल यू समराइज कर देती हूँ कि जिनका मैरिज हो चुका है आपका कॉस्मिक पार्टनर के साथ मैरिज है पर चीजें कुछ ठीक नहीं है बिकॉज यहाँ पे दोनों इम्बैलेंस है इस वजह से आपको लॉ वगैरह या आपको डिवोर्स वगैरह के थ्रू जाना पड़ रहा है या सेपरेशन वगैरह आपका चल रहा है जिनका मैरिज नहीं हुई है फिफ्टी परसेंट्स आपने पार्टनर के साथ मिल चुके हो एंड फिफ्टी परसेंट्स बहुत जल्द मिलने वाले हो विद इन द थ्री मंथ आप तभी आप मिलेंगे इन पार्टनर के साथ एंड तभी आपका कुछ आगे जा आगे बढ़ेगा वॉकिंग आए प्रोग्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में बट uh, तभी होंगे जब आप इस दो चीज़ों को फॉलो करेंगे अपने हेल्थ के ऊपर ख्याल रखना एंड कुछ चीज़ों को कंट्रोल ना करना जस्ट गो विद द फ्लो ओके अपने मर्जी का मालिक बनने के लिए आपको बोला जा रहा है थैंक यू सो मच गाइज पाइल नंबर टू गट प्लेस यू ऑल लाइक्स एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच ओमगन गणपति नमह है पाइल नंबर थ्री जिन्होंने लास्ट वाले पाइल को चूज़ किया है और जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है सो लेट्स चेक फॉर दैट कि आपका मैरिज जिनके साथ हो चुका है मैरिड पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ तो आपका कॉस्मिक पार्टनर के साथ मैरिज हुई है कॉस्मिक मैरिज है या कार्मिक मैरिज है जिनका नहीं हुई है तो उनके लिए देखेंगे कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मैरिज होगा या कोई कार्मिक के साथ आपका मैरिज होगा ओके सो लेट्स चेक फॉर दैट देखते सबसे पहले आप मैरिज का एनर्जी देख लेती हूँ मैं स्ट्रो वार्निंग नंबर टेन का एनर्जी है द गार्डन एंड द गेट नंबर थर्टी एप्रीसीशंस नंबर फिफ्टीन का एनर्जी है ओके okay, सो so बहुत से लोगों के लिए इट कैन बी सेम जिन सेम जेंडर काइंड ऑफ थिंग्स डजेंट हैफ़ी सारे लोगों के लिए रेजनेट कर सकता है कि या सेम जेंडर काइंड ऑफ सिचुएशंस मुझे नजर आ रहा है और बाकी कार्ड्स के देख लेते कार्ड्स में क्या है ओके फोर ऑफ शोर्ट्स का एनर्जी है एसऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स ओके सो बेसिकली यहाँ सिचुएशन इस किस्म का है कि आप दोनों तरह से चीजें हैं मुझे इस बारे पाइल के लिए लग रहा है कि इट्स लाइक द अनकन्फ्यूज सिचुएशन आप दोनों पसंद करते हो दोनों एक दूसरे के लिए आ, प्यार भी है चाहते भी है बट द थिंग इसकी दे आर नॉट शोइंग दे थ्रू सेल दे आर नॉट टेलिंग द ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस अबाउट यू नाइट ऑफ काब्स एनर्जी तो टाइम थोड़ा लगेंगे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कभी नहीं बोलेंगे नहीं नाइट का एनर्जी जब भी आते है उनके मन में सब कुछ है पर कहीं ना कहीं ओपन अप नहीं हो रहा है ओके okay, तो ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है रोमैंस वाओ रोमेंस का एनर्जी है येस देयर इज समथिंग बेटर ओके big happy changes yes big happy changes is coming in your way so pile number 3 jinka marriage ho chuka hai this is your karmic okay i saw karmic but am mai cosmic bolne wali thi okay okay so फोर्टी परसेंट के लिए मुझे लग रहा है विद द फोर ऑफ सोर्स एनर्जी आपके कार्मिक पार्टनर हो सकता है बिकॉज नाइट का एनर्जी है यहाँ पे किंग का एनर्जी होते तो तब मैं कम्प्लीटली बोल सकती थी पर काफी सारे लोगों के लिए एसअब का आपका एनर्जी एंड रोमांस का एनर्जी एसअब का जी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ट्रू लव अनकंडीशनल लव इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल काइंड ऑफ लव तो कहीं ना कहीं एंजल एंजल गाइडेंस भी है डिवाइनली गाइडेड भी है ये कनेक्शन फोर्टी परसेंट के लिए मैं बोलूंगी कि आपका कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिज हुई है एंड फिफ्टी परसेंट के साथ आपका कॉस्मिक मैरिज है जिनका मैरिज हो चुका है एंड जिनका मैरिज नहीं हुई है तो आप इस पार्टनर के साथ नहीं मिले हो ओके देर इज समथिंग बेटर एंड रोमांस का एनर्जी है तो बहुत जल्द रोमांस आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है काफी रोमांटिक कनेक्शंस होगा काफी एक रोमांस uh, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शंस में होंगे ओके रोमांस इज लाइक इट इट्स एशियंस ऑफ लाव एशियंस ऑफ लाव रोमांस होना बहुत जरूरी है बिकॉज uh, कोई भी लैब कनेक्शन रोमेंटिक ही होता है इट्स नॉट ए प्लेटोनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट्स नॉट ए प्रिंट लैब ओके एंड काफ़ी म्यूचुअल होगा आप दोनों का आप दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटी होंगे आप दोनों का सोच विचार थिंकिंग बिहेवियर भी काफी हद तक सेम होगा एंड इट्स कम्पलीटली डिवाइन की तरफ से आपको दिया जाएगा ओके डिवाइनली गाइडेड है यहाँ पर भी कार्ड्स में येस देर इज ए टू बर्ड्स तो आपको हो सकता है कि काफी ज्यादा बार्स दिखाई दे रहा है या आपका पीजन या डाफ आपकाइट हो सकता है ओके okay. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पर्सन बहुत जल्द एंटर करने वाला है बिकॉज मुझे लग रहा है कि फीमेल पर्सन के लिए या मेल पर्सन जो भी है इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक विद्रिसिएशन एनर्जी आप अभी सेल्फ लव एनर्जी पे हो खुद को बहुत चैरिश कर रहे हो रिस्पेक्ट कर रहे हो खुद की वैल्यू समझ रहे हो कि आप किस चीज़ को डिजर्व करते हो नहीं करते हो क्या आपके अंदर गलती है किस चीज़ को सुधारने चाहिए ओके तो ये सब चीज़ों को आप समझ चुके हो समझ भी रहे हो प्रोसेसिंग चल रहा है बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज़ इनबिल्ट नहीं होता हमें धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखना पड़ता है एंड कहीं ना लाइफ इज ऑल अबाउट द इवॉल्विंग थिंग्स ऑल अबाउट चेंजेस धीरे धीरे करके सीखने पड़ता है बट आपको ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे लोग भी आपने देखा होगा कि जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा है बट उन लोगों के अंदर कुछ डिस्टॉर्टेड वर्जन निकल के आ रहा है एक टाइम पे बहुत अच्छा था बचपन में टीनेजर्स में और भी अच्छा ऊपर से एडल्ट में जाके पूरा बिगड़ा हुआ हो गया तो इट्स डिपेंड बट हमेशा के लिए हम लोगों को ट्रू इंटेंशंस रखने चाहिए एंड ऑलवेज सीकिंग फॉर द गुड थिंग्स गुड चेंजेस ना कि बैड चेंजेस खुद के अंदर नहीं करना है जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है वी हैव टू काट अप दिस टॉक्सिक्स थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ ओके क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस नहीं दिलाएंगे हमें आगे बढ़ना है आगे बढ़ना इन द सेंस कि हमें अच्छे चीजों के लिए सिकिंग करनी है अच्छा चेंजेस लेके आनी है आगे हर कोई बढ़ रहा है ओके okay? मेंटली में भी नहीं बढ़ रहा है आगे तो हर कोई बढ़ रहा है उम्र बढ़ रहा है हर एक बर्थडे भी आ रहा है बट द थिंग इज कि आप ऐसे आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका ग्रोथ हो जो आपका हीलिंग दे जो आपके अंदर से नया नया क्वालिटीज uh, को निकाले जो आप देख नहीं पा रहे थे दैट्स कॉल आगे बढ़ना ओके okay? तो आप कहीं ना कहीं इस प्रोसेसिंग के थ्रू चल रहे हो एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ ए शार्टन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ए पर्सनस आपकी जिंदगी में आएंगे मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे एक भी नहीं है नेम बता नहीं सकती बिकॉज इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल सो दैट्स ऑय यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं है मुझे चैनलिंग नहीं हो रहा है तो आप बहुत जल्द इस पर्सन के साथ मिलने वाले हो ओके एंड टेन काफी इंपॉर्टेंट नंबर है टेन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेन टेन आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपका सोलमेट मेड कनेक्शंस हो सकता है स्पिरिचुअल सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शंस क्योंकि यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है दो दो पेशंस भी है डिवाइन भी है एंजल भी है तो इस वजह से बोल रही हो देर इज समथिंग बेटर तो आप अभी कोई भी पार्टनर के साथ कनेक्टेड uh, हो या आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जो आपके फीलिंग्स नहीं बता रहा है एंड जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहा है जो आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है 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 भी है या कुछ नहीं है मतलब आपको लग रहा है कि दैट मैं तो फंसी हुई हूँ तो आपको उसे निकालने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि देर इज समथिंग बेटर फॉर यू बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द आ रहा है पाइल नंबर थ्री आप नहीं मिले हो तो काफी जल्दी आप मिलने वाले हो. ओके आपका एज हो सकता है कि थर्टी थर्टी थ्री नंबर काफी इंपॉर्टेंट है थ्री फाइव वन आपका लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है ओके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पार पास हो सकता है विथ द गार्डन एंड द गेट एनर्जी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इट कैन बी पॉसिबल कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड uh, और एक मैसेज में एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहूँगी आप इस सोच में आपके अंदर ये सोच हो सकता है जो बहुत टाइम से सिंगल से बहुत टाइम से नहीं लाइक like दैट कि बाई बार्थ भी आप बोल सकते हो तो आपके अंदर ये सोच हो सकता है कि मेरे लिए द वन है द वन आएंगे तो उसी के साथ मैं जाऊँगी आगे बढ़ूँगी एंड सब कुछ चीज़ें होगा नो इट्स नॉट लाइक दैट आपको बोला जा रहा है द वन ऐसे नहीं आते एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए खुद को कुछ करनी पड़ती है घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला यू हैव टू एक्सप्लोर आप डेटिंग कीजिए डेटिंग कर सकते हो आपको कोई भी पसंद है नहीं भी पसंद है आपको यूज डेटिंग्स एप्स वगैरह है तो गोफर ईट ये कोई बुलसेट नहीं है बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को उसके थ्रू भी फाइंड आउट करते हैं कोई भी चीज़ बुलसेट नहीं होता हर चीज़ों का गुड और बैड पार्ट होता है तो ऑलवेज सिकिंग फॉर द गुड थिंग्स ऑलवेज सिकिंग फॉर द थिंग, पॉजिटिव थिंग्स आपको नेगेटिव चीज़ें सोचना भी नहीं है नेगेटिव चीज़ों की जाना नहीं है तो जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल्स हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप आ, खुद को एक्सप्लोर कीजिए खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए तब जाके क्या बात है इस पर्सन के साथ आपको आपका आ, आपकी कनेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकता है आप दोनों के बीच में फेस टू फेस मीटिंग हो सकता है आप लोग नहीं मिले ओके पाइल नंबर थ्री जो डिवाइन काउंटरबैट के साथ क्योंकि आपका कॉस्मिक मैरिज मुझे दिख रहा है ओके सो जस्ट मैं एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहूंगी जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ ऐसा द वन काइंड ऑफ तब भी आएंगे जब आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज द वन को आप दिया भी जाएगा तब आप पहचान भी नहीं पाएंगे जब तक आप अपने कोठे पे बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला बिकॉज आप कहीं कही ना कहीं वेटिंग कर रहे हो वेटिंग करने से कुछ नहीं मिलता जो लोग कुछ करते हैं ना उसी लोगों को मिलता है बैठे बिठे कुछ नहीं मिलने वाला तो एक्स्ट्रा मैसेजेस है एंड आई नो बहुत सारे लोगों के लिए रेजनेट करेंगे बिकॉज ऑफ द फीमेल energy मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी डिवाइनली बींग हो सकते हो यू कैन बी a divine चाइल्ड आपको हर चीज को सेंस होता है यू आर वेरी intuitive, spiritual kind of काइंड ऑफ आपको हर चीज़ सेंस हो जाता है बट द थिंग इज कि आप आप अपने आप, में भी सुना होगा टेरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू कि या मेरे लिए तो एक ही पर्सन है ये सब के लिए है बट आप तभी मिलेंगे जब आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चीज़ों को पर्सनली ले लेते हो बट आपको बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ों को हटाइए जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ इमोशनली आपको ना भी इन्वॉल्व हो जाए किसी पर्सन के साथ जब जेटी डेटिंग करना शुरू करते हैं तो तब आपको इतने उनको जान नहीं है जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर आफ्टर दैट मे बी आप इन्वॉल्व हो कि हाँ दिस इज माई टाइप आई कैन गो फर्दर विथ दिस पर्सन तो तब ठीक है बट इस वाले चीज़ को आपको ब्रेक करना है आपके अंदर लिमिटेड थॉट्स पैटर्न हो सकता है कि आ, मेरे लिए जो है वो भगवान भेज देंगे भगवान भेजेंगे तब भेजेंगे जब आप खुद के कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे बैठे बिठाए लोगों को वो बहुत डीले हो जाता है अलबा ऐसे सोच रही हूँ कि भगवान आके टपक के गिर देंगे मतलब आपके पर्सन कहीं से भी ऊपर से आ जाएंगे ऐसा नहीं होते इफ यू वांट वॉन्ट तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है एक्सप्लोर कीजिए आपको ट्रैवलिंग करने के लिए बोला जा रहा है घूमने फिरने के लिए बोला जा रहा है आप आ, ऐसा नहीं है कि मैं फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप फाइंड आउट करो इधर उधर जाके शादी डॉट कॉम में प्रोफाइल खोल लो नो no, ऐसा नहीं है एक्सप्लोर करना अलग चीज होता है हम्म और जो अपना पर्सन होता है जो आपका डिफाइंड काउंटर पार्ट है उसके साथ आपका कंप्लीट एक इंस्टेंट कनेक्शंस फील होगा अट्रैक्शन डिफरेंट चीज़ है इंस्टेंट कनेक्शंस डिफरेंट चीज होता है तो उनके साथ आपका कनेक्शन फील होगा काफी कम्फोर्ट जोन फील होगा अब जब पर्सन के साथ पहले बार मिलेंगे तो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ऐसे होता है पर आपके अंदर जो लिमिटेड थाट पैटर्न है उसको चेंज करिए क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप चाहे आपका कार्मिक पार्टनर के साथ है चाहे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी है तो रिलेशनशिप विच लाइक ए ट्री धीरे धीरे करके चीज़ें ग्रो करते हैं इट्स काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब आपको उसमें डेवलप करने के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी होती है एक तरफा नहीं होते बट डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है तो उसके साथ चीजें बहुत स्मूदली बढ़ते हैं स्मूदली इन द सेंस आप बहुत ग्रो करते हो खुद को हील करते हो अपने लाइफ परपज पता चलता है बिकॉज दिस इज ए डिवाइन काउंटर पार्ट राइट ये तो कार्मिक पार्टनर नहीं है कार्मिक पार्टनर से हटके होता है बहुत हटके होता है जो लोग एक्सपीरियंस कर चुका है उनको पता है बट उन लोग पहचान नहीं पाते रिकोगनाइज नहीं कर पाते बिकॉज दे आर इन ए डिस्टॉर्टेड पोजिशंस उनके खुद के अंदर प्रॉब्लम होता है इस वजह से आ, सामने वालों को पहचान नहीं पाते हैं या समटाइम्स ऐसे भी केसेस होता है कि दोनों लोग डिस्टॉर्टेड होता है बट दोनों लोगों को काम करनी होती है क्या पता है उसका आ, महादेव उनका मंजिल पैर करके रखा है उस हिसाब से क्या पता आगे जाके मिल जाए पर इस किस्म का सबका डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होता है पर अपने पर्सन जो ट्रू पार्टनर होता है उसके साथ थोड़ा डिफरेंट किस्म का कनेक्शन बिल्ड होता है तो आपके लिए बोला जा रहा है आपका कॉस्मिक मैरिज इस लाइफ टाइम में है आप अभी तक भी नहीं मिले हो अपने ट्रू पार्टनर के साथ आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे एक्सप्लोर करेंगे तब जाके इस पार्टनर के साथ आप मिल सकते हो ओके पाइल नंबर थ्री थैंक यू सो मच दैट्स ऑर रीडिंग लाइक्स एंड सब्सक्राइब और प्लेस यू ऑल